हेलो एवरीवन, आई एम चमकौर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ कॉम्पीटेटिव क्लासेस अजीत रोड बठिंडा। आज जी अपना टॉपिक है वो हैगा जीके दे जनरल नॉलेज का अपना टॉपिक है। आज स्टार्ट करांगे जिमें कि मैं तुहानू दस रहा पहला जीके का अहम रोल हुंदा है चाहे कोई भी पंजाब लैवल का एग्जाम आउंदा है। उस एग्जाम दे विच जीके चाहे तो आपां पंजाब दी ला लईए चाहे भारत दी जां फिर आपां विश्व पद्धर दी उस टॉपिक दे बारे आपां अज गल करांगे। जे मैं गल करां विश्व पद्धर दे जीके दी तां विश्व पद्धर दी जीके दे विचों सब तों सर्व उत्तम अवार्ड जां आपां प्राइज़ दी गल करिए तां उह आउंदा है जी नोबल प्राइज़। तो अज का अपना मेन जिहड़ा टॉपिक रहूगा वह रहूगा जी नोबल प्राइज़। नोबल प्राइज़ के संबंध के आपां इस दे फैक्टां बारे इसका कंसैप्ट की है कितों नोबल प्राइज़ की शुरुआत हुई है तो केड़ियां केड़ियां फील्ड के कैटागरी के अवार्ड नूं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उन्हां बारे ते इस तो अलावा जिन्हें भी अज तक भारतीयों नूं नोबल प्राइज़ मिल चुके हैं उन्हां दे संबंध दे विच आपां गल करांगे। तो सब तो पहला मैं शुरू करन जा रहा नोबल प्राइज़ जी। तो जो नोबल प्राइज़ है नोबल प्राइज़ की शुरुआत किदां हुई है तो पहला जिन्ना टाइम या जिन्ना समा अपना कंसैप्ट बिल्डअप नहीं हुंदा उस तो बिना अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जे मैं कह लवां तो वह क्लीयर नहीं होने। तुसी जिन्ना मर्जी रट्टा मार लियो जे तुहाडा कंसैप्ट क्लीयर नहीं हैगा तो तुसी उस दे विच अक्सर नूं भुल जाणा। तो पहला अपना कंसैप्ट क्लीयर होना बेहद जरूरी है जी। कंसैप्ट दे विचों मैं तुहानूं अज करवा रहा नोबल प्राइज़। तो शुरू करते हैं जी नोबल प्राइज़ की शुरुआत किदां हुई है। एल्फ्रेड बिनायड नोबल नाम का व्यक्ति जिसने तकरीबन 355 खोजा कीतियां जिन्हां दे विचों महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जां कह लिए महत्वपूर्ण कह लिए उस दे विचों जो खोज इनवेंशन सी डायनामाइट दी सी। डायनामाइट दी जो खोज की उन्होंने वो की 1867 दे विच। 1867 दे विच खोज करन तो बाद उन्हां दे कैरियर की शुरुआत हुंदी है। तो उस तो शुरुआत तो उन्हां दे जो पेटेंट ने वो काफ़ी कंट्रियां द्वारा खरीद लए जांदे ने। तकरीबन उन्हां कोले 350 पेटेंट सी। तां उन्होंने आपदी संपत्ति दे जो व्याज सीगा 95% 94% संपत्ति दे व्याज दा वह नोबल प्राइज़ दिता जांदा जी। तो एल्फ्रेड बिनायड नोबल का जन्म होया 21 अक्तूबर 1833 स्वीडन दे विच कित्थे स्कॉटहोम। जन्म भूमि स्वीडन है स्कॉटहोम है। डेथ हुई है 10 दिसंबर 1896 इटली दे विच। कई बार क्वेश्चन पूछ लेंदे आ जन्म कित्थे होया ते डेथ कित्थे हुई आ। तो डेथ हुई है जी उन्हां दी इटली दे विच। एक मेन चीज़ तुसी ये भी याद रखनी है जिन्ने भी अवार्ड चाहे वह वर्ल्ड लैवल दे होवे चाहे इंडिया लैवल दा तो जिन्ने भी अवार्ड दिते जांदे आ ज़्यादातर अवार्ड बर्थ एनीवर्सरी दे दिते जांदे आ जी। तो इको एक प्राइज़ आ जिहड़ा कि डेथ एनीवर्सरी दे दिता जांदा। तो हुण तुहानूं गल क्लीयर होगी भी जिहड़ा नोबल प्राइज़ है वह हर साल एवरी ईयर
10 दिसंबर नूं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता जी। डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया जाता है? अठारह सौ सताहठ तो बाद जदों डायनामाइट की खोज की है तो एक समा यह जहाँ आता है नोबल फैमिली ते कि इन्हां दे भरा की डैथ हो जाती है 1864 दे विच, नाइट्रीन ग्लैसरीन का एक्सप्लोशन हो जाता है जदों, तो उस तो बाद कई ऐसियां स्थितियां आउंदियां ने जिथे डामाडोल होण दी स्थिति आ जाती है, तो फिर भी नहीं डामाडोल होंदे। उस तो बाद 1886 दे विच एक खबर छपदी है अखबार दे विच कि मौत दे सौदागर का अंत हो गया, तो जदों ये खबर आप दी अखां नाल एल्फ्रेड नोबल पढ़ता है तो धक्का लगता है भी लोग मेरे बारे इन्ना बुरा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खोज ही इस दे पदार्थ की की सी डायनामाइट की, तो डेस्परेसड रहन लग गए। तो फिर समा आउंदा 1895 का, 1895 का समा आउंदा है तो वह एक वसीयत तैयार करते हैं। वसीयत दे विच की लिखते ने? वसीयत दे विच लिखते ने कि जिहड़ी मेरी संपत्ति है, जिनी भी मेरी प्रॉपर्टी है, उसका 94% के रूप के अवार्ड के रूप के दिता जाऊगा। तो जो अवार्ड दिता किसू जाऊगा तो वह अवार्ड दिता जाऊगा जो भी विश्व पद्धर से चंगी कारगुजारी होगी, लोग भलाई के कामों होगा, चाहे वह कोई भी होवे, तां उन्हां नूं प्राइज दिता जाऊगा। तो जदों उन्होंने वसीयत लिखी तो वसीयत दे विच उन्होंने 5 कैटागरीज मैनशन कीतियां, पर टोटल कैटागरीज ने 6 कैटागरीज ने जो अवार्ड दिता जाता। पहली कैटागरीज फिजिक्स, जिन्हों भौतिक विज्ञान कह देंगे, दूसरी कैटागरी कैमिस्ट्री रसायन विज्ञान, तीसरी कैटागरी मेडिसन्स, चौथी कैटागरी लिटरेचर साहित्य, पांचवी कैटागरी पीस शांति। ये वो 5 कैटागरीज ने जिहड़ियां एल्फ्रेड नोबल ने 1895 दे विच अपनी वसीयत दे विच मैनशन कीतियां। इस तो अलावा 6 कैटागरी जिहड़ी ऐड की गई है, वह ऐड की गई है 1967 दे विच। डिक्लेरेशन होंदी है सेंट्रल बैंक स्वीडन वालों, स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, उस दे वालों डिक्लेरेशन की जाती है भी एवरी ईयर जिहड़े होने वाले नोबल प्राइज दे विचों एक कैटागरीज जिहड़ी उन्होंने लिखी इकनोमिक्स, इकनोमिक्स दे विच भी अवार्ड दिता जाऊगा। तो फस्ट गिवन ज पहली बारी जो अवार्ड दिता गया इकनोमिक 1969-1969 गया जी। तो हुण तुहानू पता लग गया हुआ 6 कैटागरीज केड़ियां-केड़ियां ने, फिजिक्स कैमिस्ट्री मैडिसन लिटरेचर पीस ते इकनोमिक्स, तो ये 6 कैटागरीज के अवार्ड दिता जाता। अवार्ड के रूप के दिता की जाता है? डिप्लोमा मैडल होंदा 10 मिलियन डालर, तो एक सिटीजनशिप ऑफ स्वीडन, स्वीडन की
सिटीजनशिप भी दिती जाती है। अगला क्वेश्चन जे तुहाडा बनता है तो ये छे कैटागरिया अवार्ड कित्थे कित्थे दिता जाता जी, तो जिहड़ियां फिजिक्स कैमिस्ट्री मेडिसन लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स जो ये पंजे कैटागरीज ने ये अवार्ड स्वीडिश अकैडमी वालों स्कॉट होम दे विच दिता जाता जी। तो एक कैटागरीज जिहड़ी रहेगी पीस प्राइज नॉर्वे वालों या नॉर्वे दे विच आप कह लिए नॉर्वे दे विच दिता जाता है, नॉर्वे की राजधानी है जी ओस्लो, तो ओस्लो दे विच नोबल पीस प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुंदा। इस तों अलावा हुण मैं गल कर जा रहा अवार्ड स्टार्ट कदों हुंदा, जदों 1896 दे विच मौत हुंदी है अल्फ्रेड नोबल की, तो उस तो बाद जो वसीयत पढ़ी जाती है तो वसीयत पढ़ने तो बाद डिसाइड कर लिया जाता भी अवार्ड दिता जाना है। तो 29 जून 1900 एक कमेटी गठित होंगी है स्वीडिश नोबल कमेटी आप कह लिए स्वीडिश अकैडमी कह लिए स्थापना की जाती है, तो उस दे वल्लों सब तो पहला जदा अवार्ड दिता गया वह 1901 दे विच दिता गया जी। तो नोबल प्राइज की शुरुआत आप कह सकते हैं 10 दिसंबर 1901 नूं होई है। हुण शुरुआती दौर दे विच सब तो पहला अवार्ड मिलिया किसनूं, वह भी मैं तुहानूं दस रहा 1901 दे विच जो अवार्ड मिलिया सब तो पहला अवार्ड, तुसीं सोसाइटी बारे भी पढ़िया होना जे तुसीं कोई एग्जाम दिता तो उस दे विच भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है रेड क्रॉस सोसाइटी, तो जो पहला परसन सी उसनू अवार्ड मिलिया सीगा पीस दे विच हैनरी ड्यूनट नाँ का व्यक्ति जिसनों सब तो पहला ये अवार्ड दिता गया। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हैनरी ड्यूनट अगे जो अवार्ड मिले वह मिले सी इसनों रेड क्रॉस सोसाइटी ले। रेड क्रॉस सोसाइटी महत्वपूर्ण क्यों है जां हैनरी ड्यूनट इतने महत्वपूर्ण क्यों योगदान रखता, क्योंकि जो रेड क्रॉस सोसाइटी है इसनों सब तो वध वार पीस प्राइज मिल चुके है जी। जे मैं गल करां जां तुहानूं पेपर दे विच किसी दे विच भी क्वेश्चन आउंदा है सब तो वध वार अवार्ड प्राप्त करने वाली संस्था कि है, तो वह रेड क्रॉस सोसाइटी है जी, जिसने 1917, 1944 ते 1963 दे विच नोबल प्राइज हासिल किया, करके हैनरी ड्यूनट इंपोर्टेंट आ। उस तो अलावा एक व्यक्ति होर सीगा जिन्हां नूं संयुक्त रूप दे विच 1901 दे विच अवार्ड दिता गया, वह सीगा जी फ्रेंच पीस सोसाइटी दे संस्थापक फ्रेडरिक पैसी। ये दो शख्स व्यक्ति जिन्हां नूं सब तो पहला 1901 दे विच नोबल पीस प्राइज नाल सन्मानित किया गया जी। उम्मीद करदा इत्थों तक तुहानूं सारिआं नूं समझ आ गया होना, कंसैप्ट क्लीयर हो गया होना, तो यह बेहद जरूरी ने। कई बार पूछ लेंदे ने सब तो पहला नोबल प्राइज प्राप्त करने वाला व्यक्ति किहड़ा, तो हुण मैं इस तों अलावा गल करांगे आपां सब तो वध वार किस कंट्री नूं अवार्ड मिल चुके आ, सब तो वध वार अवार्ड प्राप्त किसने कीते आ। तो जे मैं गल करां सब तो वध वार सब तो ज़्यादा वार जेतू कंट्री दी
तां ओह USA है जी। USA ने सब तो वध वार नोबल प्राइज़ प्राप्त किए। इस तो अलावा एक कैटागरीज़ जां वंड दे आधार ते मैं कहां वह बनती है जिन्हां नूं दो बारी नोबल प्राइज़ मिल चुका है जी। तो जिन्हां नूं दो बारी नोबल प्राइज़ मिलिया वह चार व्यक्तियों नूं मिलिया जी, ठीक है। इस तो अलावा हुण तक किन्ने भारतीयों नूं नोबल प्राइज़ मिल चुके है तो आप उन्हां बारे भी जिक्र करते हैं। तो सब तो पहला जिन्हां नूं दो बारी अवार्ड मिलिया, तो सब तो पहला है इत्थे दो बारी की जो मैं गल करा जां मैं गल ये करा भी सब तो पहली लेडी जिसनों नोबल प्राइज़ मिलिया तो उन्हां दे विचों एक ने जी मैरी क्यूरी जां मैडम क्यूरी कह लिए, मैडम क्यूरी। इस स्त्री नूं सब तो पहला नोबल प्राइज़ भी मिलिया तो यह नोबल प्राइज़ करन वाले पहले व्यक्ति भी बने जिन्हां नूं दो बारी मिलिया। तो इन्हां नूं प्राइज़ जो मिलिया वह मिलिया सब तो पहला 1903 दे विच, 1903 दे विच फिजिक्स लई मिलिया जी, भौतिक विज्ञान लई मिलिया। सैकेंड प्राइज़ इन्हां नूं मिलिया 1911 दे विच, 1911 दे विच इन्हां नूं मिलिया केमिस्ट्री वास्ते। तो सब तो पहला दो बार प्राप्त करन वाले इंसानों की कैटागरी दे विच आउंदे ने जी मैडम क्यूरी। उस तो बाद दूसरे व्यक्ति जोहन बार्डिन, जोहन बार्डिन इन्हां नूं भी दो बारी नोबल प्राइज़ मिल चुके जी। इन्हां नूं मिलिया 1956 दे विच, 1956 दे विच इन्हां नूं किहड़े कैटागरीज़ लई मिलिया तां ओह मिलिया जी फिजिक्स वास्ते। सैकेंड टाइम इन्हां नूं अवार्ड मिलिया जी वह भी फिजिक्स वास्ते, वह मिलिया 1972 दे विच। तां इन्हां नूं फिजिक्स दे विच मिलिया, मैडम क्यूरी नूं फिजिक्स ते केमिस्ट्री दे विच मिलिया सीगा जी। थर्ड परसन ने जी जिन्हां नूं दो बारी नोबल प्राइज़ मिलिया वह ने जी फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर इन्हां नूं भी दो बारी अवार्ड मिल चुके जी। पहला मिलिया 1958 दे विच, 1958 दे विच इन्हां नूं मिलिया जी केमिस्ट्री वास्ते, ते दूसरे बारी भी इन्हां नूं मिलिया केमिस्ट्री दे विच। दूसरे बारी इन्हां नूं मिलिया जी 1980 दे विच, 1980 दे विच इन्हां ने DNA दी खोज कीती सी। तां इन्हां नूं दो बारी जो अवार्ड मिलिया वह मिलिया जी केमिस्ट्री दे विचों। चौथे परसन ने जी एल पॉलिंग जां लिनस पॉलिंग, लिनस पॉलिंग इन्हां नूं केमिस्ट्री ते पीस दे लई अवार्ड मिलिया, पीस दे लई मिलिया इन्हां नूं 1957 दे विच, सॉरी 1954 दे विच। सैकेंड टाइम इन्हां नूं प्राइज़ मिलिया 1962 दे विच, 54 वाला पीस प्राइज़ इन्हां नूं केमिस्ट्री लई, ते सैकेंड टाइम मिलिया जी इन्हां नूं पीस लई, फस्ट टाइम केमिस्ट्री। तां इह ओह चार परसनज़ ने जिन्हां नूं अवार्ड मिलिया जी दो दो बारी। हुण आपां गल करांगे ओह भारती जिन्हां नूं अज तक नोबल प्राइज़ मिलिया। तां सब तो पहलां नोबल प्राइज़ प्राप्त करने वाले पहले भारती व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर नू 1913 दे विच लिटरेचर
साहित्य लई नोबल प्राइज मिलिया इन्ह की रचना सी गीतांजलि। गीतांजलि रचना लई इन्हों नोबल प्राइज मिलिया। इको एक भारती जो सब तो पहला नोबल प्राइज मिलिया जा एशिया के पहले परसन आप कह लिए जिन्हों नोबल प्राइज मिले। सैकेंड नंबर पर नोबल प्राइज मिले जी सी वी रमन 1930 दे इन्हों प्राइज मिले फिजिक्स के लिए। रमन फैक्ट की इन्होंने खोज की सी रमन फैक्ट लिए इन्हों 1930 नोबल प्राइज मिले। थर्ड परसन ने जी हरगोबिंद खुराना 1968 इन्हों प्राइज मिले। 1968 केमिस्ट्री तो इन्हों अवार्ड मिले सॉरी मेडिसन ले तो इन्हों प्राइज मिले जी मेडिसन ले। हरगोबिंद खुराना थर्ड परसन ने जो नोबल प्राइज प्राप्त किया। फोर्थ परसन ने जी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा नू पीस लई प्राइज मिले 1979 दे विच। फिफ्थ परसन ने जी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। फिफ्थ परसन ने जी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इन्हों मिले फिजिक्स के 1983। सिक्स्थ परसन ने जी अमृता सेन। अमृता सेन नू इकोनॉमिक्स दे लई 1998 दे विच नोबल प्राइज मिलिया। सातवें परसन ने वेंकटिया रामाकृष्णन। इन्हों अवार्ड मिले जी केमिस्ट्री लई 2009 दे विच। केमिस्ट्री 2009। एट्थ परसन ने जी कैलाश सत्यार्थी 2014 दे विच इन्हों पीस प्राइज मिले। नोबल पीस प्राइज 2014 दे विच। अच्छा कलियास सत्यार्थी है तो मैं इत्थे एक होर जिक्र करना चाहवागा। जे मैं गल करा भारत दे विच सब तो पहला भारत दे विच लेडीज़ केड़े ने जिन्हां ने नोबल प्राइज़ मिलिया तो वह ने जी मदर टेरेसा। जो व्यक्तिगत तौर पर तो फोर्थ नंबर पर आते ने। जे लेडीज़ की मैं गल करा तो सब तो पहला भारतीय स्त्री जिन्हां ने नोबल प्राइज़ प्राप्त किया पीस दे विच। हुण मैं गल करदा कलियास सत्यार्थी की जिन्हां नू 2014 दे विच पीस लई प्राइज़ मिलिया। तो जो ये प्राइज़ है इन्हां नू संयुक्त रूप दे विच मिलिया सी। संयुक्त रूप दे विच किन्हां नाल मिलिया? मलाला यूसुफ जई।
कलियास सत्यार्थी ते मलाना यूसुफ जी संयुक्त रूप के 2014 का पीस प्राइज़ मिलिया तो सांझे रूप के इन्हों प्राइज़ दिता गया। नौवें परसन ने तो नौवें परसन तो पहला मैं एक गल होर तुहाडे नाल सांझी करना चाहवागा जो मलाना यूसुफ जी ने ना ये सब तो छोटी उम्र के आपां परसन ला लीए जां छोटी उम्र की लेडीज़ जे आपां गल करिए इन्हों अवार्ड मिलिया यंगेस्ट परसन ऑफ द वर्ल्ड जो नोबल प्राइज प्राप्त करने वाले ने वो ने मलाना यूसुफ जी इन्हों तकरीबन तकरीबन 17 साल की एज के नोबल प्राइज इन्हों मिल गया सी। तां इत्थों पता ही लगता है भी नोबल प्राइज़ क्यों दिता जाता क्योंकि नोबल प्राइज़ व्यक्तियों को इनकोरेज करने वास्ते उन्होंने हौसला बधे ता जो वो विश्व भर के चंगे कामों प्रोत्साहन देन उन्होंने करन तां करके एडी छोटी उम्र के मलाना यूसुफ जई नूं अवार्ड दिता गया जी। मलाना यूसुफ जई बारे कौन नहीं जानता तुहानूं भी सब नूं पता ही होगा भी उन्होंने किड्डा वड्डा योगदान एक एजुकेशन सिस्टम के पाया जां औरतां दे हक दे विच उन्होंने आवाज़ की तो इन्हां दे लई उन्होंने हरजाना भी भरना पिया तो उन्होंने गोली लगी सी तो फिर उन्होंने बर्मिंगम के इंग्लैंड उन्हों का इलाज चलिया तो वाहेगुरु की मेहर नाल उन्होंने चलो ये चीज़ तो स्थिति के उभर के बाहर आए तो उन्होंने आपका काम जारी रखिया तो उसकी इस शलाघा जो कदम लई जो स्वीडिश अकैडमी है नोबल वालों की जो बनी हुई है उन्होंने 2014 नोबल प्रीस प्राइज़ 2014 के सन्मानित किया। अगे मैं नौवें भारती की जो गल करा जिन्होंने नोबल प्राइज़ मिलिया वो ने जी अभिजीत बैनर्जी अभिजीत बैनर्जी 2019 के इकनोमिक्स दे इकनोमिक्स दे विच नोबल प्राइज़ प्राप्त करने वाले दो व्यक्ति ने भारती पहले ने जी अमर्त्या सेन दूसरे ने अभिजीत बैनर्जी तो दोवां नूं मिलिया इकनोमिक्स दे लई पीस दे लई भी दोवां नूं मिलिया दो भारती पीस दे लई लिटरेचर दे लई एक ने जी। हुण सब तो पहला रविंद्रनाथ टैगोर जी। अच्छा जे मैं गल करां सब तो पहले व्यक्ति जिन्हां नूं साइंस दे विच जां विज्ञान दे विच अवार्ड मिलिया तो वह ने जी सी वी रमन। जे तुहानूं पहले व्यक्ति पुछण तां पहले व्यक्ति कौन आउणगे जी रविंद्रनाथ टैगोर जी आउणगे। तो सब तो पहली लेडी भारती मदर टेरेसा जां सब तो पहला भारती जिन्हें पीस दे विच प्राइज़ नोबल प्राइज़ मिलिया तो मदर टेरेसा। तो सब तो वध वाली भी मैं गल कर चुका भी सब तो वध वारी जी अज तक पीस प्राइज़ मिलिया तो वह मिलिया जी रैड क्रॉस सोसायटी नूं। तो एक फैक्ट की गल मैं होर करा जो नोबल प्राइज़ है वह दो बार नोबल प्राइज़ नहीं दिता गया अज तक की हिस्टरी दे विच फस्ट वर्ल्ड वार एंड सैकेंड वर्ल्ड वार विश्व युद्ध जो दो हुए ने संसार दे तां इन्हां दे विच नोबल प्राइज़ नहीं दिता गया। इस तों अलावा नोबल प्राइज़ है पोस्ट होमिज नहीं मतलब जो नोबल प्राइज़ है वह मरण तो बाद नहीं दिता जाता तो यह जो प्रोविजन लैके आए थे वह आए थे 1974 के 1974 तो बाद ऐलान कर दिता गया स्वीडिश अकैडमी वालों कि नोबल प्राइज़ है जो पोस्ट होमिज नहीं रहेगा मरण तो बाद नहीं दिता जाऊगा। हाँ अगर किसी सिचुएशन के हो जाए भी कोई व्यक्ति नोबल प्राइज़ लई नोमीनेट हो चुका पर नोमीनेट होने बाद नाम डिकलेयर होने बाद डैथ हो गई है तो उसनू प्राइज़ दिता जाऊगा जे नोमीनेट होने तो पहले ही डैथ हो गई फिर नहीं दिता जाऊगा। तो इसका मतलब की होया 1974 तो बाद उन्होंने ऐलान करता कि ज्यौदे व्यक्तियों ही दिता जाऊगा क्यों दिता जाऊगा क्यों जो दूसरे लोग भी उन्होंने तो एनकोरेज हो इंस्पिरेशन मिले तो करके उम्मीद करदा भी इतों तक तुम सारे समझ लग गया होगा। तो यह सीगा जी अपना हुण तक दे किन्नियां नूं नोबल प्राइज़ मिल चुका तो 9 भारती उन्हां दे विचों शामिल ने। सब तो पहला किसनूं मिलिया तो कदों शुरुआत हुई है
ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਕਿੱਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੰਪੀਟੇਟਿਵ ਕੰਪੀਟੇਟਿਵ ਕਲਾਸਿਸ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।